पावर बीआई, पावर बीआई है क्या, पहले चीज को जाने। पावर बीआई को हम कह सकते हैं डेटा डेटा विजुलाइजेशन टूल्स। डेटा को अच्छे तरीके से विजुलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पावर बीआई। ठीक है, अब हाँ जी, इसकी कोर्स कैसे पता चलेगी, तो आपको मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाना है। पावर बीआई ही नहीं, हम एक्सेल, वीवीए और बहुत सारी चीज की ट्रेनिंग देते हैं। अगर कोर्सेज की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे इतने तरह के कोर्सेज हैं, एडवांस एक्सेल, वीवीए, एक्सेस, या आपका एमआईएस, डैशबोर्ड, ऑफिस, टैबलू, पावर बीआई। तो इसके लिए इसकी जो कोर्सेज है बेसिकली दो तरह की है। पहली है हमारी रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, जो कि मेरे मोबाइल ऐप से आप ले सकते हैं। मोबाइल ऐप लेने के लिए आपको मेरे किस यूट्यूब के किसी भी वीडियोज पे जाके उसके डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करना होगा, या फिर प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग। ये आईओएस में भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है, तो लिंक जो है आपको मेरी किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेस में जाते हैं तो वहां पे हर क्लासेस जो है स्टोर के अंदर आपको सारी क्लासेस आपको दिखेगी, और यहाँ पे सारे वीडियोज फॉर्म में। और वीडियोज फॉर्म में है तो सिर्फ वीडियो ही नहीं है, इसमें आपको टेलीफोनिक सपोर्ट भी है। किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फोन करके मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें लाइव क्लासेस की। लाइव क्लासेस जो कि जूम के साथ होती है, 1 से 3 लोगों के लिए, के बीच में। इसमें क्या है, एक भी हो सकते हैं और थ्री भी हो सकते हैं। 1 to 3 people के बीच में आपको एक क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे, तकरीबन 1 घंटे के आसपास। और इसमें सिर्फ आपकी कोर्स ही नहीं, आपकी ऑफिस सॉल्यूशन भी दिया जाता है, मतलब कि आप ऑफिशियल प्रॉब्लम को भी क्लास में शेयर कर सकते हैं। तो लाइव क्लास पे चलते हैं मेघनाथ जी, और लाइव क्लास में हम बात करते हैं पावर बीआई। जैसे कि हमारी बातचीत हुई है कि आप पावर बीआई सीखना चाहते हैं, हाँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा फैसला है पावर बीआई का, क्योंकि मार्केट में पावर बीआई की बहुत ही अच्छा फ्यूचर स्कोप है। तो पावर बीआई जो यूज होता है डेटा विजुलाइजेशन का होता है। अब किस तरह की, वो जो किस तरह की चीजें बनाते हैं, इसको लिए जानने के लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड पावर बीआई, डैशबोर्ड बीआई या पावर बीआई सेलेक्ट करके इमेज पे चले जाएं, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं, सारी डैशबोर्ड पावर बीआई के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, इस तरह के डैशबोर्ड बना सकते हैं। और हाँ, इस तरह की डैशबोर्ड एक्सेल में भी बनाई जा सकती है, लेकिन डैशबोर्ड एक्सेल में बनाने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो हम पावर बीआई पे क्विकली बना लें। तो पावर बीआई की बेसिकली मेरे पास दो तरह की कोर्स है। एक है फास्ट ट्रैक कोर्स। फास्ट ट्रैक कोर्स है कि 5 से 8 घंटों के बीच में हम आपको सिखाएंगे, ये 2 से 3 घंटे मंडे टू संडे पे कोई भी ले सकते हैं दो बार इसमें। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि इसमें आपको पूरी एक्सपर्ट लेवल की चीजें नहीं होगी, इसमें आपको हम उतना ही चीज सिखाएंगे जो जरूरत है, जिससे आप अपना ऑफिस का इंटरव्यू वगैरह निकाल सकते हैं, सेम वही चीज आपको यहाँ पे हम सिखा पाते हैं। राइट, हाँ जी, लेकिन आप मेरे एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस में आते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है। 20 से 30 आवर की ड्यूरेशन है, लेकिन ये ड्यूरेशन जो है एवरेज है, नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि 30 ही घंटा होगा, 20 ही घंटा होगा, डिपेंड करता है आपके लर्निंग स्टाइल पे। अगर आप स्लो लर्न कर रहे हैं तो 1 घंटा 50 घंटे भी हो सकती है, अगर आप फास्ट लर्न कर रहे हैं तो 15 घंटे भी हो सकती है। तो आप कितना जल्दी आप जॉब करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कह के कोई भी टीचर आपको कोई कैप्सूल की तरह या सिरप की तरह थोड़ी पिला देगा कि ये लीजिए बेसिक फंडामेंटल की गोली, ये लीजिए पावर बीआई पेप की फिर गोली, क्या सर? तो हाँ जॉब तो आप ही को करना है ना सर, तो सर, चीजें हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 15 जो है हमने टॉपिक बना रखी है जो आपको कवर करेंगे। बेसिक फंडामेंटल है, पावर बीआई डेस्कटॉप है, वेब है, पावर क्वेरी एडिटर है, डेटा मॉडल है, रिलेशनशिप्स है, रिपोर्ट व्यू विजुलाइजेशन है, पावर बीआई सर्विसेज है ऑन मोबाइल है, पावर बीआई टैक्स फॉर्मूला, टैक्स क्यूरी, ऑथरिंग रिपोर्ट्स, टैक्स एक्टिव फिल्टर रिपोर्ट्स लेआउट, पावर बीआई रिसोर्सेज, एक्वायरिंग द डेटा, रिफाइन मॉडल एंड डेटा मॉडल, जो जरूरत पड़ती है। ठीक है,
इसकी हर क्लास के आपको वीडियोस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, और साथ में मिलेगा फ्री रीज्वाइनिंग। फ्री रीज्वाइनिंग क्या होता है कि इन फ्यूचर में कभी भी आपको पावर बी आई को दोबारा से सीखना हो, अगर भूल गए हैं तो आपको मेरे साथ पे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेरे किसी भी रनिंग बैच में, जी हाँ रनिंग बैच में आके आप उस चीज को कवर कर सकते, राइट सर? हाँ जी। अब ये तो हो गई पावर बी आई की बात। अब बात करते हैं कि पावर बी आई दिखता कैसा। तो पावर बी आई के लिए आपको यहाँ से पावर बी आई, पावर बी आई के लोगो, ये बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है, तो इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पावर बी आई माइक्रोसॉफ्ट का है, ध्यान रखिएगा। और जो टैबलू है, टैबलू भी इसी से मिलता जुलता है, या हम कह सकते हैं टैबलू से मिलता जुलता है, और ये दोनों सॉफ्टवेयर मिलता जुलता है पिवट टेबल्स। तो आपके सामने जो खुल के आया ये हमारा पावर बी आई का आइकन है। पहला वेलकम विंडो आता है, अब यहाँ पे मैंने लॉगिंग कर रखी है इस कारण से दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता, ये आपका पावर बी आई है पिवट टेबल की तरह बिल्कुल है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा कहाँ, क्या इसको परचेज करना होगा। देखिए सॉफ्टवेयर फ्री है, अगर आप जाते हैं गूगल पे सर्च कीजिए यहाँ पे, मैं गूगल खोलता हूँ, डायरेक्ट यहाँ भी सर्च कर सकता था, पावर बी आई डाउनलोड, पावर बी आई डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड। तो याद रखिएगा जब सर्च कीजिएगा तो जो बहुत सारी वाले मिलेंगे उस पर क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना है पावर बी आई डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, ठीक है, डाउनलोड पावर बी आई। अब डाउनलोड पावर बी आई पे आते हैं तो ये आपका पावर बी आई है। अब इसमें कौन सा आपको डाउनलोड करना है, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर बी आई डेस्कटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल है, ये आपका ऑन प्रोफेशनल गेटवे होता है जो ऑनलाइन चलता है, रिपोर्ट बिल्डर है। तो इसमें आपको सारा सम्मिलित किसमें है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप पे। अब डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक मत कीजिएगा, क्योंकि जब डाउनलोड पे क्लिक करते तो यहाँ देखिए यहाँ जो दिखेगा आपको वो दिखेगा arcs.ms पावर बी आई डेस्कटॉप स्टोर, ये सीधे आपका जो स्टोर है उसमें चला जाएगा, वहां से थोड़ा सा डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो। एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड होगा और इजीली जैसे इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई इंस्टॉल करने के लिए कुछ सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके कोई पे नहीं देना है। लेकिन आप देखिए पावर बी आई का जो है दो प्लेटफॉर्म है, पहला प्लेटफॉर्म जो आपने देखा वो ये आपका क्या है डेस्कटॉप का, दूसरा जो प्लेटफॉर्म आता है वो आता है पावर बी आई का वेब वर्जन, ठीक है। तो मैं इसको साइन इन करूंगा तो आप वहां देख पाएंगे उसका वेब वर्जन यहां पे आएगा। ओटीपी मांग रहा है, सेम आईडी यहां जो लगा हुआ है वो आईडी ही वहां पर, ठीक है। ये वेब वर्जन है, मतलब जो भी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं पावर बीआई में वो रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर बीआई जो है वो कनेक्टेड होता है किससे, आपके डेस्कटॉप वर्जन से, वेब वर्जन डेस्कटॉप वर्जन। और यहां से हम माने कि फाइल को शेयर वगैरह करते हैं, दोस्तों को भेजते हैं, मोडिफिकेशन वगैरह करते हैं, इसको मोबाइल से लेकर हर चीज में इसको यूज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम होती है, इसकी जो आईडी होती है इसमें यहां पर दिख रहा है बाय प्रो नाउ, दिख रहा है अभी जो मेरे पास है वो है लाइसेंस टाइप फ्री, फ्री अकाउंट है। तो इसके दो अकाउंट होते हैं, फ्री अकाउंट एंड प्रो अकाउंट। जब प्रो अकाउंट में करते हैं तो आपको एक तो स्टोर मिलते हैं, स्पेसेस ज्यादा मिलते हैं इसके क्लाउड पे, साथ में इसमें बहुत सारे सर्विसेज मिलती है, और इसका जो
प्राइस है आई थिंक 600 या 700 मंथली है जिसको आपको पे करना होता है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम ये है कि आप जो है इसमें इसकी जो आईडी है वो आप किसी जीमेल वगैरह से नहीं ले सकते, इसके लिए आपको कंपनी की आईडी चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल लोगों के लिए कॉर्पोरेट लोगों के लिए बना हुआ है, राइट सर? यस सर। तो ये पावर बीआई की हमारी कोर्स इंस्ट्रक्शंस रही, आप लोग जो है इसको ज्वाइन करके लर्न कर सकते।